सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अपन जो है कोइसेरा 2040 का पार्ट 2 देख रहे हैं अभी, फिल्म का जो अपने फिल्म चेंज किया था, फिल्म और कपड़ा उसका पार्ट 2 है वीडियो, और पार्ट 1 का मैं आपको लिंक इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ। आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही है कि कहाँ कैसा खोलना है। उसके बाद पार्ट 2 में जो स्टार्ट करें, जो अपना लैंप पट्टी है उसको आप किस तरह से अंदर रख के आपको काम करना है। उसके बाद लैंप पट्टी का जो लॉक है वो भी अभी उन लॉक लगा रहे हैं। आपको सामने जो एरो दिख रहे हो उस हिसाब से आपको लॉक लगाना है। उसके बाद अपने को स्क्रू लगाना है, जो ब्लैक कलर का रहेगा वहां पे अपने को स्क्रू का जगह दिया है, वहां पे आपको एक स्क्रू लगाना है। वो तो आपको आइडिया आ ही जाएंगे कि आपने कैसे निकाला था, उसी तरह से आपको लगाना है। उसी तरह आपको दूसरी तरफ का भी वैसे ही लगाना है। वीडियो बाय टेक्निकल किशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली सारे वीडियो आप देखें ताकि आपको प्रिंटर, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन कैसे रिफिल करते हैं, रिपेयरिंग और रिफिलिंग कैसे करते हैं, उसका सारा टेक्निकल का वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि जिसको जिसको मशीन है वो खुद रिपेयर कर पाए। देख रहे हैं आपको कैसे लॉक लगाना है, सामने बॉर्डर टू बॉर्डर मैच होना चाहिए, अगर क्या मैच नहीं होगा तब तक सामने स्क्रू लगेगा नहीं। उसके बाद आपको जो ऊपर का है पट्टी वो लगाना है, उसमें भी नीचे की ओर लॉक लगा हुआ रहता है तो आपको लॉक बिठा के ही आपको लगाना है। उसके बाद आपको जो थर्मिस्टर है जो टेम्परेचर का उसके ऊपर जो अपना है वो भी ऐसा लगाना है। आप धीरे धीरे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा नॉलेज आ ही जाएगा कि इसको कैसा लगाना है, किसको क्या करना है। वो तो जनरल नॉलेज इतना सबके पास रहते ही कि आपने कैसा निकाला, उसी तरह स्टेप बाई स्टेप आपको लगाते जाना है। आप देख रहे हैं उसको आपको कैसे लॉक लगाना है। आपको देखना है जो स्क्रू है उसके अंदर बैठना चाहिए, और ये लॉक है और ये थर्मिस्टर है, उसको बहुत आपको ध्यान रखना है तो आपको 6 to 20 एरर लेगा अगर इसका कुछ इश्यू हुआ तो।
उसके बाद आपको ये लॉक बिठाना है। ये अपने लॉक बैठा दिया है, उसके बाद आपको एक स्क्रू लगाना है। उसका स्क्रू है जो अलग ही रहेगा, इसका चपटा स्क्रू रहेगा पतला सा। दूसरी तरफ की वैसे ही पूछ करके आपको लॉक बैठाना है, क्योंकि आदत थर्मिस्टर को जो ये वाले लैंप पट्टी की तरफ वाला वो पूरा वही कंट्रोल करता है, एक स्क्रू पे ही लगा हुआ रहता है और दो स्क्रू दूसरे वो ऊपर नीचे करने के लिए रहता है प्रेशर रोल को फिल्म रोल को। दूसरी तरफ भी अपने जो स्क्रू बिठा दिया है, इसके बाद अपने को ये वाला लगाना है। उसके बाद जो अपना गियर निकाला था वैसे ही आपको गियर बिठाना है और एक गियर का लॉक है। आपको चेक करना है कि इसी तरह जैसे आपने गियर निकाला उसी तरह आपको लगाना है, नहीं तो वापस क्या अगर उल्टा उल्टा हो गया तो उसके ऊपर राउंड बराबर से रोटिंग नहीं करेगा तो वापस एरर लेगा जो अपना फिक्सिंग का। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिख रहे बेल आइकॉन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद जो इसका ढंकन है उसके अंदर से अपने को मेन बोर्ड में जो लगता है केबल उसको आपको लगाना है। अगर आपको ये वाला गियर निकल गया तो आपको ध्यान पूर्वक लगाना है, नहीं तो स्प्रिंग घूमता नहीं है उस चक्कर में। इसके बाद वापस ये सेट का भी जो ढक्कन है वो भी आपको लगा देना है।
फिर अपना जो मेन स्क्रू है, अगर स्क्रू स्लिप हो रहा ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप नहीं होगा। अगर फिर आपको टेम्परेचर भी एक बार काम चलाना हो, उसे आपको कम ज़्यादा स्क्रू टाइट करके भी अपना काम चलता है। इसमें है क्या, फिल्म रोल और दोनों रोल को कंट्रोल करता है स्क्रू। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो एकदम पिसल के चलता है, तो क्या वो पेपर फंसने का चांस कम रहता है। बाकी अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो आपको चेंज करना ही है फिल्म रोल को। तो वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा, फिर भी आपको एक बार तो टाइट तो करना ही है स्क्रू को। टाइट एकदम हेवी नहीं करना है, मीडियम ही टाइट करना है। अपने को लगा कि जो स्क्रू है वो टाइट हो गया है, इसके बाद जो ये ठंगा ना उसको भी अपने को लगाना है, और सारे केबल कनेक्शन आपने चेक करना है कि हाँ बराबर से लगे हुए हैं ना। उसके बाद आपको इसका चार स्क्रू रहेगा, और चारों स्क्रू इसमें मारना है। उसके बाद अपने को जो केबल लगाना है और उसका प्लास्टिक का लॉक रहेगा वो भी आपको लगाना है। ये प्लास्टिक का लॉक लगाना रहेगा कि जो केबल है बाहर की तरफ पिछल ना जाए, नहीं तो वो क्या रहता है कभी कभी थोड़ा घिस घिस कर टूट जाता है। उसी तरह इस साइड भी आपको प्लास्टिक का जो जो आपने लॉक निकाला है लॉक लगाना है। और एक लॉक रहेगा वो भी आपको लगाना है, वो तो आप जो जो चांस निकाले वो आपको थोड़ा ध्यान से खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा मैंने कहाँ से कौन सा स्क्रू कौन सा लॉक निकाला है। फाइनली ये जो अपन इसका चेंज कर लिया है, टेम्पलर और कपड़ा अपन चेंज कर लिए हैं। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा तो आप आराम से देखें और दोबारा रिट्राई करें। उसके बाद अपन जो मशीन लगा के अपन के सामने टेस्टिंग करते हैं अभी क्या इश्यू आ रहा है और कैसा है। इसमें भी आपको फिक्सिंग का भी चारों आपको स्क्रू मिलता हुआ, चारों स्क्रू आपको लगाना है। उसके बाद आपको एक जो मेन बोर्ड में कनेक्शन है उसको मेन बोर्ड में कनेक्शन उसको लगा देना है ठीक से। उसके बाद एक पावर सप्लाई में जाता है, वो पावर सप्लाई में लगा देना है, और अपन उसको केबल लगा के स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे मशीन रनिंग हो गया है, इसका 50 कॉपी प्रिंट मारा है तो फटाक से प्रिंट आ रहे हैं। कि अपन टेस्टिंग कर रहे हैं कि प्रिंट मगर कुछ इश्यू वगैरह नहीं है, इसके लिए वो पीछे से अपन लगा या नहीं है। वो तो क्या लास्ट का जो रहता है अपना पेपर का बाहर फेंकने के लिए रहता है, तो ये क्या रहता है कि अपने को इजीली अगर बाय चांस अगर कुछ इश्यू आता है तो खोलने के लिए वापस आपको दोबारा सारे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें अगर खुला हुआ रहेगा तो। आप देख रहे हैं अगर कोई पेपर फंसने का चांस ही नहीं है, 50 प्रिंट दिया तो फटाफट और फास्ट प्रिंट भी हो रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया देखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो।